जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। द्वारका जिले के बिंदापुर थाने की टीम ने एक ब्लाइंड रॉबरी का खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक कंपनी का ही मैनेजर निकला, जिसने लूट की पूरी साजिश रची थी। द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार 9-10 जून की दरमियानी रात करीब 2 बजे बिंदापुर थाना को पीसीआर कॉल मिली। सूचना के अनुसार उत्तम नगर के बाल उद्यान रोड पर स्थित एक कुरियर दफ्तर में 2 अज्ञात युवकों ने घुसकर कैशियर को हथियार के बल पर लूट लिया और फरार हो गए। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता दुर्गेश कुमार का बयान दर्ज किया। दुर्गेश ने बताया कि वह शैडो फॉक्स कुरियर कंपनी में कैशियर के तौर पर काम करता है। घटना वाली रात वह अपने साथी रामेंद्र यादव के साथ ड्यूटी पर था, तभी करीब 1:30 बजे 2 अज्ञात लोग दफ्तर में घुसे और उन्हें बंदूक दिखाकर लॉकर का कैश छीन लिया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। द्वारका जिले की कई टीमों को इस रॉबरी को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिंदापुर की टीम ने सीसीटीवी फुटेजों का बारीकी से विश्लेषण किया। फुटेजों में 3 संदिग्ध युवक एक काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दी है। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने उनकी लोकेशन को ट्रैक किया और मुखबिरों की भी मदद ली। 11 जून को रात करीब 11 बजे पुलिस को सफलता मिली। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों को रास्ते को ट्रैक करते हुए टीम ने उन्हें एक घर तक ले गई। उत्तम नगर के मोहन गार्डन में छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लूट के 4,93,638 रुपए भी बरामद हुए। पूछताछ में सचिन ने बताया कि वह बिजवासन की शैडो फॉक्स कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। उसने अपने साथियों सचिन, कौशल और दुर्गेश के साथ मिलकर पिछली रात बाल उद्यान रोड स्थित शैडो फॉक्स कुरियर कंपनी से कैश लूटा था। उसके निशानदेही पर उसके साथी सचिन को किरण गार्डन उत्तम नगर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक टॉय गन और अपराध में इस्तेमाल की गई काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जांच आगे बढ़ाने पर पता चला कि कौशल, जो शैडो फॉक्स कुरियर कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करता था, उसने ही इस लूट की साजिश रची थी। उसने सचिन को बताया कि कंपनी में कैश की कमी चल रही है और उसे लॉकर का कैश चुराने में मदद चाहिए। कौशल और दुर्गेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से भी एक टॉय गन बरामद हुई। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज इस्टर में मौजूद हूँ द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी अंकित कुमार जी। जिस तरीके से सर 9 या 10 तारीख को जिस तरीके से लूट होती है बिंदापुर के अंदर, कॉल आती है कि कुछ नकाबपोश बंदूक की नोक पर लूट के लेके जाते हैं और 12 घंटे के अंदर आपके मार्गदर्शन में जो कार्य बिंदापुर की टीम ने किया है, तो सर पूरा वाक्य बताए। जैसा आपने मेंशन किया कि 9 और 10 तारीख की रात में करीब 1:30 बजे एक पीसीआर कॉल आती है कि 2 नकाबपोश लोग गन पॉइंट पर लगभग 7 लाख रुपए की लूट करके ले जाते हैं। इस पूरे केस को वर्कआउट करने में सबसे अहम जो रोल है वो बिंदापुर के एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश मलिक और उनकी टीम का ये पूरा केस है, जिन्होंने बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लेते हुए इस केस को वर्कआउट किया है। इस केस में 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिनके पास से 2 गन मिली हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल रियल वेपन की तरह लगता है, बट इस कॉन्स्पिरेसी में जो ये हमारी कुरियर कंपनी थी उसका मैनेजर, उसका कैशियर और 2 डिलीवरी बॉय इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये प्लान करके इस पूरी वारदात को किया। सर जिस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, तो इस पूरे जो ये लूट हुई है इसमें मैन सरगना कौन बताया जा रहा है? ये जो लूट की रॉबरी की वारदात हुई है इसमें कौशल कुमार जो है मैनेजर है इस शैडो फॉक्स कुरियर कंपनी का, वो मेन कॉन्स्पिरेटर है और साथ ही साथ जो दुर्गेश कुमार है जो कैशियर का काम देखता था इनिशियली, बहुत टाइम से जब ये ट्रांजैक्शन को डील कर रहे थे तो उसमें कुछ पैसे का हेर फेर हो गया था, जिसको चलते इन्होंने प्लान किया और इस प्लानिंग में इन्होंने 2 डिलीवरी बॉय थे उनको भी इन्वॉल्व किया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जिस तरीके से सर बिंदापुर एसएचओ राजेश मलिक की टीम ने आपके मार्गदर्शन में जो कार्य किया है, कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों पे एक लगाम लगाई तो आम जनता को भी राहत की सांस मिलेगी सर? जी बिल्कुल, एसएचओ बिंदापुर ने बहुत ही अच्छा काम किया और स्विफ्ट काम किया।
12 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट किया, और ये एक मैसेज भी जाता है कि कोई इस तरीके की अगर इंसिडेंट को अंजाम देता है तो उसको बिहार के पीछे भेजने का काम पुलिस का है, जो कि हमने इसको अच्छे से बखूबी निभाया। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे DCP अंकित कुमार जी। कहीं ना कहीं ऐसी रोबरी को सुलझाने के बाद आम जनता को भी राहत की सांस मिलेगी। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।